हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपी टेक्स स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग की। हमारी इस क्लास में आज हम बात करेंगे लूप के ऊपर। जी हां, लूप के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जो वीडियो देख रहे हैं ये लाइव क्लासेस की वीडियो है, जूम एंड टीम्स पे हमारे स्टूडेंट ज्वाइन करने वाले हैं, जिसके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लिंक भेजते हैं, थोड़ा सा इंतजार करते हैं उनके आने की। तब तक मैं करता हूं वीडियो पॉज। तो वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग के अंदर में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं लूप। हमने से पहले इफ कंडीशन को खत्म कर लिया, तो इफ कंडीशन के बाद हम लूप करें। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो लूप के क्लासेस में हम लूप की पहली क्लास, इससे पहले हमने इफ के साथ और कई सारे प्रोजेक्ट में हमने लूप का इस्तेमाल किया है, बट हम लूप को थोड़ी सी डिटेल में पढ़ेंगे आपके साथ। सबसे पहले जानते हैं कि लूप आखिर होता क्या है और क्या क्या चीजें हमें ध्यान देनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम विजुअल बेसिक खोल रहे हैं और मैं इसको डबल स्क्रीन कर देता हूं ताकि आपको साथ साथ इसका यूज भी दिखता जाए। अब यहाँ पे इंसर्ट, सिग्नल नहीं हो रहा। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा है। चलिए, अब दिख रहा है? हाँ भी ठीक है। तो यहां पे हम सब्जेक्ट देते हैं और यहां पे लूप अंडरस्कोर वन ब्रैकेट ओपन क्लोज। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पे दिख रहा है सर, नेम दिख रहा है आपको। अब इसको मान लीजिए मैं कॉपी करके एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे मुझे पेस्ट करना है। एच मैक, ऐसा मैक को बनाना है जो इस एरिया को कॉपी करके एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे पेस्ट करे। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे करेंगे हम सबसे पहले नॉर्मल कॉपी करते हैं। रेंज, रेंज में हमने ए वन लिया और यहां पे हमने क्या कर दिया, सेलेक्ट। अब ए वन सेलेक्ट क्यों करेंगे, हम पूरा रेंज कर लेते हैं। ए वन से लेके सी सेवन डॉट कॉपी, ए वन से लेके सी सेवन डॉट कॉपी। फिर वापस रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट टू रो एंड जीरो कॉलम डॉट पेस्ट पेस्ट स्पेशल। ठीक है सर, हमने क्या कर दिया, पेस्ट स्पेशल। अब पेस्ट स्पेशल से अब इसमें देखिएगा, अब मैं इसको रन करूंगा तो यहां पे एक कॉपी कर दिया, एक कॉपी कर दिया, राइट सर। अब यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि चलिए एक से ज्यादा कॉपी करना, तो कहने का मतलब है कि आपको पहले ए सिलेक्ट करना होगा कि हमें रिपीट किस लाइन को करना है। तो मुझे मान लीजिए 5 बार कॉपी करना है, तो मुझे इस लाइन को 5 बार कॉपी पेस्ट करना होगा। तब जाके देखेंगे कि 5 बार यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे रहा है। ठीक है, पर प्रॉब्लम यही है कि अगर 15 हुआ 20 हुआ तो इस तरह से हम रिपीट तो नहीं कर सकते ना, तो मुझे इस लाइन को लूप में डालना है। तो यहां क्या करेंगे, हम लगाएंगे 4 4 4 आई इक्वल टू चले वो आई देना था, 1 दे दिया, आई इक्वल टू चले 1 2 10 या 5 जो भी देना चाहते हैं, देन नेक्स्ट आई। तो आपको क्या करना है कि लूप के अंदर उसी लाइन को रखना है जिसको रिपीट करना है। आपने से कॉपी क्यों नहीं रखा, तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि हम जो है सिलेक्ट जो है हम जो है सिलेक्ट जो है करने के बाद हम कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद पेस्ट करते हैं। हम अब मुझे मान लीजिए एक ही चीज को 10 बार कॉपी करना है, तो हम 10 बार उसको हम कॉपी पेस्ट नहीं करते, एक बार कॉपी कर लिया, जहां जहां पेस्ट करना वहां पेस्ट कर देते, क्या सर। तो इस तरह से आप डिसाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको रन करते हैं, तो रन करते देखिए ये देखिए आपके सामने आ गया।
ठीक है, क्लियर सर? तो लूप का मोटिव समझ में आ गया होगा सर आप लोगों को। अब चलिए हम थोड़ा सा लूप में आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मैं क्या करना चाहता हूं, मान लीजिए मुझे इसमें सीरियल नंबर देना है एक से लेके 10 तक, राइट? तो यहां पे हम देते हैं सब्जेक्ट लूप टू, राइट लूप इन क्लोज। अब यहां पे लगाते हैं कि फोर आर इक्वल टू चले 1 to 10, नेक्स्ट आई। अब यहां पे आई कर रहे हैं तो आई है क्या? तो आई को समझने के लिए मैंने पहले ही बताया था कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 2 के जगह पे 3 कर देते हैं, यहाँ पे सिंगल कोट लगा दिया और यहाँ पे एम एस जी बॉक्स के अंदर आई देते हैं, तो आई दे, आप देखिएगा कि आई जो है क्या है, एक नंबर है। जैसे जैसे लूप आगे चलता है, पहला बार चला तो 1 आई था, दूसरा बार चला तो I2 था, तीसरा बार चला तो I3 था, तो इस तरह से आई होता है। अब इस आई को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेल रेफरेंस या सीट के नेम्स में। जैसे कि मुझे 10 तक की चाहिए, यहाँ पे चाहिए ना 10 तक, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ सेल्स, सेल्स में आई रो एंड 1 कॉलम डॉट वैल्यू इक्वल टू आई। अब इसको मैं स्टेप इन्फो में चलाता हूँ तो देखिए क्या होगा। स्टेप इन्फो में चलाया तो ये देखिए यहाँ पे क्या I1 था और यहाँ पे 1 रो और 1 कॉलम मिला, तो रिजल्ट यहाँ पे 1 आया। मैं नेक्स्ट 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 इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो आपने देखा पूरा 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे टाइप कर दिया। तो लूप इस तरह से काम करता है, तो जो 4 और नेक्स्ट के बीच में नंबर ऑफ लाइंस होते हैं उसको उतना बार रिपीट करता है और आई जो है वो सिक्वेंस नंबर 1 2 3 4 5 को फॉलो करता है। ठीक है, कंफ्यूजन कोई नहीं? चलिए, जो लोग मेरी वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज। अब इसी में दूसरा तरीका क्या होता है, सेल यूज ना करूं तो क्या? चलिए, तो सेल यूज नहीं करते हैं तो यहां पे हम कर सकते हैं रेंज, रेंज ए के साथ आई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, हमने क्या कर दिया आई। अब इसको यहां से रन करें फिर भी वर्क उसी तरह से करेगा। तो आप इस तरह से अल्फाबेट के साथ आई को कंबाइन कर ले या सेल्स को, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात आती है कि मुझे रो एंड कॉलम दोनों को करना हो तो कैसे होगा। जैसे एग्जांपल, अगर हम तीसरा एग्जांपल पे आए तो तीसरा एग्जांपल में हमारा ये है कि मैं चाहता हूं कि 1 से लेकर 100 तक का लगे लेकिन 5-5 कॉलम के बीच में। जैसे यहाँ पे इस तरह से 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे 6 7, इस तरह से भी 100 तक की गिनती दे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लूप अंडरस्कोर 3 ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे दे रहे हैं हम 4 आई इक्वल टू, चले आई इस पर रो एंड कॉलम करते हैं, आर आर फॉर रो इक्वल टू 1 to 20 और फिर 4 जे इक्वल टू चले 1 to 5, देन नेक्स्ट आई, नेक्स्ट आई नहीं नेक्स्ट जे होगा, या जे की जगह पे सी कर ले, सी यहां भी सी और यहां एंटर प्रेस करके यहां पे नेक्स्ट ऑल्सो सी। अब यहां मैं देता हूं रेंज, अब रेंज वर्क नहीं करेगा क्योंकि अल्फाबेट नहीं है, यहाँ पे सेल्स लेना हो, जहां पे रो एंड कॉलम नंबर में है वहां सेल्स होगा, आर रो और सी कॉलम। अब इक्वल टू क्या करें, आर तो करें नहीं क्योंकि आर करेंगे तो फिर 1 से 6 11 इस तरह से होगा, तो यहाँ पे हम एक आई करते हैं। आई है क्या, तो मैं यहाँ एक आई को डमी काउंटर मान लेता हूं और बोलता हूं कि आई इक्वल टू आई प्लस 1। अब आई को तो डिफाइन नहीं किया, अब चाहो तो यहां पे डिफाइन कर दो कि डिम आई एज ए इंटीजर या लॉन्ग, जो भी कर दीजिए। ठीक है, अब कैसे वर्क कर रहा है,
चलिए इसको एक बार स्टेप इन्फो में समझाते हैं। एक मिनट, यहाँ पे आर होगा सी की जगह पे, एफर्ट किया। अब इस बार आर क्या है, वन है, और फिर सी क्या है, वन है। तो यहाँ पे आई कितना हुआ, जीरो हुआ, जीरो प्लस वन इक्वल टू वन। तो इसने वन रो वन कॉलम में क्या डाल दिया, आई क्या है, वन। देखिए यहाँ वन आ गया। फिर उसी तरह से इस बार जो है आर तो वन ही है, बट सी क्या हो गया, कॉलम टू हो गया, और इस पर पहले से वन है, वन प्लस वन वन इक्वल टू टू हो गया। तो देखिए यहाँ पे टू ऐड कर दिया, और इसी सीक्वेंस को ये फाइव तक चलाता रहा। फाइव चलाने के बाद अभी फोर सी जो है वो खत्म हो गया, तो नेक्स्ट आर को दे दिया। अब नेक्स्ट आर चेक किया कि उसको बीस तक चलना है, बट एक ही बार चल रहा है। अब इस बार क्या हो गया, आर टू हो गया। तो ये देखिए सी वन हो गया, और पहले से हमारा फाइव प्लस वन सिक्स हुआ, तो दूसरा रो एंड पहले कॉलम में जाके छह टाइप कर देगा, कर दिया। और इसी तरह से छह सात आठ नौ दस ऐसे ही करता चला जाएगा, और फिर जब वापस आएगा तो इस बार आर क्या हो गया, थ्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, और फिर ये फाइव टाइम चलेगा, और इसी तरह से वो हंड्रेड तक की गिनती दे देगा। जब आपके पास रो एंड कॉलम का सिस्टम हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं होने चाहिए। और जो लोग YouTube पे हमारे वीडियो देख रहे हैं, अगर आप हमारे साथ लाइव वन टू वन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो फटाफट स्क्रीन पे नंबर है, उस नंबर पे कॉल करें, और साथ में रिकॉर्डर सीरीज मेरे मोबाइल ऐप पे मिलेगा, तो मेरे ऐप से मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे की तीसरी एग्जाम चौथे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। चौथे एग्जाम्पल में मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पे इस बार जो मैं डेटा टाइप नहीं करूंगा, डेटा लूंगा, तो डेटा लूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं एक एरिया ले रहा हूं इस तरह से, और कॉपी किया, और यहां पे क्लिपबोर्ड में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो मुझे क्या करना है कि जो नंबर यहाँ पे 15 से मतलब 15 से ऊपर है, वो सारे नंबर को मुझे यहाँ ए कॉलम में चाहिए, ठीक है। तो कैसे करें, चलिए तो सब्जेक्ट लूप अंडरस्कोर फोर ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे हम चलाएंगे लूप कि फोर आई इक्वल टू चले वन टू, कितना रो है 15, और नेक्स्ट आई और जे ही लेते हैं, आप आर और सी भी ले सकते हैं। फोर जे इक्वल टू चले कॉलर वन टू कितने हैं, तो एक बार काउंट कर लीजिए, थ्री और थ्री सिक्स है, सिक्स, और नेक्स्ट आई नेक्स्ट जे सॉरी। अब यहां कंडीशन होगा, अब यहां पे डिफाइन कर लीजिए कि डिम आर एज ए हमने यहाँ पे लॉन्ग कर दिए, और यहाँ पे करते हैं कि इफ सेल्स, सेल्स कौन सा है, तो आई रो है और जे कॉलर है, जिसके ऊपर मैंने बताया आपको डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 15 देन क्या हो जाए, तो रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्स लेस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू क्या होना चाहिए, सेल्स जे कॉमा आई कॉमा जे सॉरी आई कॉमा जे डॉट वैल, और यहां पे एड्रेस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको रन कीजिए। रन करते ही पूरा का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे एक ही नीचे एक नीचे आ गया, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को।
तो इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल करें। और लूप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि वीवीए, हर तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लूप जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करते हुए आगे के